हेलो, मैं फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात लेके आया हूँ। वो बात है आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं नीट 2023 के रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका वक्त होने वाला है बहुत जल्द खत्म। लेकिन उसके पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, मैं इसके बारे में आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें जल्दी से वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने के समय में या रजिस्ट्रेशन करने के समय में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स आसानी से मौजूद होना चाहिए और हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए देखते हैं। नीट यूजी 2023 जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के बिना नहीं मिलेगा एडमिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है चलिए जानते हैं। नीट 2023 यूजी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 की नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की घोषणा जल्द ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको NTA बोलते हैं हम लोग, द्वारा कर दी जाएगी। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद छात्र NTA नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर के अनुसार अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट 2023 की परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। NTA द्वारा जल्द ही नीट यूजी 2023 का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। छात्रों को अपनी कक्षा 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट सहित कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक में ये पता चला है कि NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारा फॉर्म भराएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में मैं अभी और जानकारी दूंगा आगे। ऐसे तो अभी हमें पता चला 10वीं की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट, व अन्य डॉक्यूमेंट में क्या है चलिए जानते हैं। MBBS पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए नीट यूजी 2023 की प्रवेश परीक्षा भारत के 543 शहरों में, विदेश के 14 शहरों में, 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पेन और पेपर मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी, और इसमें कक्षा 11 और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये थी सिलेबस की बात, कि जो नीट में NTA के द्वारा क्या गाइडलाइन है और किन स्टूडेंट्स को नीट का फॉर्म भरना होगा ये इसके बारे में बता रही है, और किन जगहों पर, किन शहरों में और कितनी भाषाओं में एग्ज़ाम होगा। आवेदन करते समय छात्रों को बहुत सावधानी रहना पड़ेगा। वो क्या सावधानी है? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी गलती के कारण छात्र का एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होगा, अगर कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लेना है और उसे फिल करना है। नीट यूजी 2023 इन डॉक्यूमेंट्स को अभी कर ले तैयार। सबसे पहले कक्षा 12वीं की मार्कशीट, दूसरी कक्षा 10वीं की मार्कशीट, तीसरा स्कैनर सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड के साइज की फ़ोटो, वैलिड फ़ोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर एक बात था, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड के साइज की फ़ोटो, यानी पासपोर्ट साइज़ तो आप लोग समझ ही रहे हो, लेकिन एक पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो भी आपको लगेगी। उसका साइज़ आप लोग देख लीजिएगा कि कितने बड़े साइज़ में वो आता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद आपको एक रखना होगा नागरिकता सर्टिफिकेट, जिसको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग, और PWBD सर्टिफिकेट रखना होगा। अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप हैं या फिजिकल डिसेबल पर्सन हैं इस तरीके से, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगता है। नीट यूजी 2023 ऐसे भरना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है neet.nta.nic.in पर हमें जाना होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग नीट यूजी 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का और एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होता है उसे ओपन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। स्टेप फोर में इसके बाद स्कैन किए गए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमने स्कैन किया है उसे हम लोग बारी बारी से सबको अपलोड करेंगे, और जब अपलोड हो जाएगा तो फिफ्थ चरण में, यानी फिफ्थ स्टेप में, फिर छात्रों का एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी, यानी पेमेंट करना होगा आपको। ये पेमेंट जो होगा ऑनलाइन मोड ही होगा, जमा करना होगा नोट। इसके बाद अपनी नीट यूजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर इसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रख लें। यानी दोस्तों, आपको लास्टली एक इसका
कॉपी आपको डाउनलोड करके या तो आप सॉफ्ट कॉपी के तरीके से रख सकते हो, प्रिंट आउट करके आप अच्छे से रख लेना, क्योंकि आगे जब एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, अगर आप नीट आउट पास कर जाते हो नीट 2023, तो आगे के फर्दर काउंसलिंग में इन सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा जो आपने फिल किया है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों लोगों के बीच में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो के बारे में पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।